हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द आर्ट वर्ल्ड। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग करी। उसके लिए मैंने अंडा उबलने डाल दिया है। अब चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। जब तक हमारा अंडा उबलेगा हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के प्याज, 1 इंच अदरक, 1 लहसुन, 2 टमाटर, 4 साबुत मिर्च और ये 2 से 4 काजू लिया है, ये ऑप्शनल है। सभी चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया है। अब इसे फ्राई करेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और उसमें सभी चीज़ों को बारी बारी से डालेंगे। देखिए हमारे थोड़ा सा ये प्याज भुन गया है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे ये सूखी लाल मिर्च, मैंने काजू रखा था वो, और टमाटर। और टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ धनिया रखा है। आप इसे पत्ती के साथ भी डाल सकते हैं, बस इधर डंठल डाल सकते हैं। मैंने पूरा ही डाल दिया है और इसे आप फ्राई करेंगे। टमाटर डालने के बाद नमक डाल देंगे ताकि ये गल जाए। देखिए ये भुन गया है, टमाटर भी अपना स्किन छोड़ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी, आप चाहे तो ठंडा भी डाल सकते हैं। बस इतना सा पानी काफी है और इसे मिक्स कर देंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसे ढक देते हैं। पानी सारा सूख गया और मसाला भी गल गया है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अंडा फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब इसमें हम अंडा फ्राई करेंगे। बारी बारी से एक एक अंडा डाल देंगे। अंडा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। इसी तेल में हम ग्रेवी बनाएंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 3 छोटी इलायची, इसका मुंह खोल दिया है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च, 2 लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे, 2 तेज पत्ता। इस छौंक में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे चलाएंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। जो मसाला हमने ठंडा करके पीसा है वो डालेंगे। जनरली हम मसाला छानते हैं लेकिन इसमें मसाला छानना नहीं है, और इसे डायरेक्ट पीस के डाल देंगे। तो 1 से 2 बार भून के, या 2 मिनट भूना है मैंने, फिर इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी पका हुआ है सारा। हम पानी डालेंगे, मैंने गर्म पानी डाला है, आप चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। उबलने देंगे फिर इसमें हम अंडा डालेंगे। इसमें डालेंगे गरम मसाला, मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला है, आप चाहे तो डालिए, मैंने नहीं डाला है। गरम मसाला डाल के एक बार मिला देंगे और ये हमारा उबलने लगा है ग्रेवी।
तो इसमें डालेंगे अंडा, सारे अंडे को एक एक करके डाल देंगे। ग्रेवी थोड़ी पक जाए तो हम उसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से, फिर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। एक करी तैयार है, हम इसे सर्व करेंगे। गार्निशिंग करेंगे धनिया की पत्ती से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी बनी है। एक करी खाने के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।